क्रिकेट की दुनिया में हुनर और सबर अक्सर साथ चलते हैं, लेकिन जब किस्मत एक उम्मीदवार खिलाड़ी को एक जख्मी हाथ दे तो क्या होता है? ये सरफराज खान की कहानी है, एक घायल खिलाड़ी। एक समय की बात है, मुंबई की गलियों में एक छोटे से लड़के का नाम सरफराज खान था, जो क्रिकेट से प्यार कर बैठा। कम उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट के खेल में असाधारण प्रतिभा दिखाई, जिससे स्थानीय कोच और क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान उसकी अद्भुत टेक्निक की ओर खींचा। जैसे जैसे सरफराज बड़ा हुआ, उसके क्रिकेट फील्ड पर प्रभाव अविच्छिन्न हो गया। उन्होंने अपनी बैटिंग कौशल से दर्शकों को अपनी तरफ खींचा, बॉलर्स को आसानी से ग्राउंड के हर कोने में छक्के लगाते हुए। 2015 में सिर्फ 17 साल की उम्र में सरफराज ने पहली फर्स्ट क्लास ट्रिपल सेंचुरी बनाकर एक प्रस्ताव करते हुए बड़े स्टेज पर अपने आगमन का ऐलान किया। हालांकि अपने प्रभावी प्रदर्शन के बावजूद सरफराज को नेशनल सिलेक्टर्स की तरफ से लगातार ध्यान नहीं मिला। अपने निर्मात प्रदर्शन के बावजूद राष्ट्रीय टीम के लिए उन्हें मौका की बजाय अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ियों को अधिक प्राथमिकता दी गई। सरफराज की निराशा हर साल बढ़ती चली गई। वो देखते रहा कैसे कम योग्य खिलाड़ी को उच्च स्तर पर अवसर दिया जाता है, जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभाने के लिए बेकार था। हालांकि इन संकटों के बावजूद सरफराज अपने सपनों की पूर्ति की और निरंतर अग्रसर रहा। सालों बीत गए, सरफराज ने डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम किया, निर्मित रूप से रन बनाए और अद्भुत नतीजे हासिल किए, फिर भी राष्ट्रीय टीम का बुलावा कभी नहीं आया। भूले हुए प्रतिभा की तरह बीसीसीआई की नजरों के किनारे पर रह गया, लेकिन सरफराज ने स्थिति स्वीकार नहीं की, बल्कि उन्होंने क्रिकेट फील्ड पर अपना आत्मविश्वास बनाया। हर मैच पे अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करके अपने विरोधियों को गले लगाने का संकल्प लिया। 15 फरवरी को जब भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ मैदान में उतरेंगे, उम्मीद है कि सरफराज खान अपना फर्स्ट मैच खेलेंगे। अपनी निरंतरता और हुनर के साथ सरफराज खान दुनिया भर के क्रिकेट युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। ये साबित करते हुए कि जीवन कितनी बार भी आपको नीचा दिखाए, असली विजेता हमेशा एक रास्ता ढूंढते हैं। सरफराज खान की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।